देसी मुर्गा, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया था। इस मुर्गे की जो है इसके साथ लड़ाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा इससे मार पड़ी थी दूसरे मुर्गे से। गुस्सा आ रहा है इसे। ये गोल्डन बेंटम का पेयर लिया मैंने, कल परसों लिया। ब्लू बैंटम की मुर्गी है, डरती भी नहीं है ये, जरा भी नहीं डरती। इसे देखें कितना ज्यादा मार पड़ी हुई है, सारा ही इसका मुंह जो है ना खून से भर गया था। बाकी पाँव वगैरह सब कुछ ठीक है, बस मुंह पे ही मार पड़ी है। ये वाइट बैंटम की फीमेल यहाँ पे खड़ी है, एक ये रही। हमने चार बटेरे लिए थे, ये एक अकेला ही रह गया। अब इधर ही बैठा रहता है। देखें आज कितना अच्छा हुआ है, जरा भी धूप नहीं निकली और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। दो तीन दिनों से यहाँ का मौसम ऐसा ही है, खूबसूरत सा हुआ है। चूजे जो है शोर मचा रहे हैं, थोड़ी देर निकालते हैं। ये जो है मेरे वाइट वाला जो मुर्गा भी मैंने दिखाया था जिसे चोटें लगी थी, उसका बच्चा। और दो इसमें बफ के बच्चे हैं। ये रहा एक, बहुत प्यारा कलर है, और एक ये ब्लैक वाला। बाकी ये सारे असील हैं। ये वाला पकड़ के दिखा, अरे वाह, वो मुर्गी ऊपर चढ़ गई है। इस बाल्टी में ना थोड़े से इनकी खुराक पड़ी हुई थी, तो वो अंदर ही सारे चले गए हैं, खा रहे हैं। ये मेरी असील मुर्गी के साथ का मुर्गा है, ये थाईलैंड के असील है। इसके साथ ये ऐसे ही देसी मुर्गी है, ये रखी हुई है। इनको ऐसे ही ले जाते हैं, ठीक है, आराम से जो है ना, बाकी कभी चले जाएंगे अपने खुदे में, वरना ऐसे पकड़े डाले नहीं जा सारे ही आ गए हैं यहाँ पे, बाहर भी निकल आएंगे। चले गए हैं सारे अंदर। ये बाल्टी भी मैंने निकाल दी है, इन्हें थोड़ी देर खोल देते हैं। ये जो है ना तंग कर रहे थे अंदर कि हमें भी खोलो, निकलो हो, उससे नहीं निकलना। वो जो है चूजों को मारने के लिए चला गया।
अब इन्हें बंद करने का टाइम आ गया। वो मुर्गी तो निकली नहीं है, इसने घूम फिर लिया। इनकी ये रोटियां ले आया हूँ, ये अब खाने के लिए आ रहे हैं। अंदर को देखता हूँ मैं। बटेरा जो है ये यहीं बैठा रहता है, इसको यहाँ डाल देते हैं, अभी आके खा लेगा। इन्हें भी भूख लगी हुई है।